हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम रेसिपी ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। तो रेसिपी ऐप को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है। तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ, एंड न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ एक्टिविटी ओपन होगी। तो मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको आपके प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है। तो मैं यहाँ से रेसिपी एप्लीकेशन लिख देता हूँ। ये होने के बाद आपको पैकेज नेम यहाँ से दे देना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको प्रोजेक्ट आपको जहाँ पे भी सेव करना है, एंड लैंग्वेज आपको जावा ही एंटर करना है। ओके, एंड यहाँ से हम मिनिमम SDK 21 सिलेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, यूअर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेट 99.3 डिवाइस, मीन्स आपको API 21 ही रखना है। ओके, ये होने के बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, यहाँ पे शो भी कर रहा है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, एक स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो भी यूजर आएगा तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन में एंटर होगा। तो एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले पैकेज नेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको न्यू पे सिलेक्ट कर देना है। ये होने के बाद आपके सामने बहुत सारे एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी का नेम एंटर कर देता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन, एंड ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी मीन्स फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी, इसलिए मैं लॉन्चर एक्टिविटी पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी आपको XML फाइल में आना है स्प्लैश स्क्रीन के। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड स्प्लिट बटन पे क्लिक कर देना आपको। तो स्प्लिट में हमें एक कोड भी मिलता है एंड डिजाइन भी मिलती है। ओके, इसलिए हम स्प्लिट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ से आपको जो कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा है, यहाँ से आपको चेंज करना होगा रिलेटिव लेआउट में। तो मैं यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव लेआउट को टाइप कर दिया है। यहाँ से अभी हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बैकग्राउंड @drawable। हम बैकग्राउंड drawable फाइल में क्रिएट करेंगे एंड फाइल का नेम लिखेंगे ग्रे। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने drawable फाइल में कोई भी ग्रे के नेम से कोई फाइल क्रिएट की ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, drawable फाइल में चले जाएंगे। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड एक फाइल क्रिएट करेंगे drawable रिसोर्स फाइल की। ओके, तो उसका नाम क्या रखना है आपको, ग्रे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रे है वही हमें सिलेक्ट करना है, ग्रे, एंड यहाँ से आपको एंटर कर देना है। तो हम जैसे एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ब खुद कुछ कोड आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले शेप दे देना है, ये जो सिलेक्टर दिखाई दे रहा है इसको आपको रिप्लेस करना है शेप से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। इसके बाद अगेन आपको यहाँ से एंटर कर देना है एंड आपको शेप यहाँ से सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आ चुका है। इसके बाद आपको एक ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा ग्रेडियंट, एंड इसको आपको क्लोज भी करना होगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड ग्रेडियंट में आपको स्टार्ट कलर एंटर करना है। तो हम दे देते स्टार्ट कलर #F1 F6 F6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टार्ट कलर दे दिया है। आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये हमारा स्टार्ट कलर है एंड यहाँ से आपको सेम एंड कलर भी एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड कलर एंड आपको टाइप करना है #6679 8A। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर आ चुका है हमारा एंड कलर। ओके, इसके बाद आपको एंगल भी सिलेक्ट करना होगा ऐसे। तो एंगल आपको 360 देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ग्रेडियंट का वर्क हो चुका है। तो अभी हमें एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन .xml में आना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमने drawable ग्रे फाइल में क्रिएट किए थे, यही फाइल हमें एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन में शो हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके,
तो यहाँ से आपको स्प्लैश स्क्रीन में एंटर करना है। एंड अभी हमें एक सर्कुलर इमेज भी सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इमेज भी इम्प्लीमेंट करना है, वो भी सर्कुलर शेप में। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसको आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना है। एंड जो सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 3.51 जो है इसके नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कुलर इमेज व्यू आ चुका है। आपको इसके बाद इंटरनेट ऑन कर देना है एंड सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं सबसे पहले इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। तो सेम जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा एंड हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो रहा है हमारा। तो अभी आपको जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो आपको इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ। इंटरनेट को डिसकनेक्ट करने के बाद अगेन आपको एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन डॉट एक्सएमएल में आना है एंड यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन को एंटर कर देना है आपको। एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सर्कुलर इमेज व्यू, जो हमने डिपेंडेंसी को पेस्ट किए थे वही सर्कुलर इमेज व्यू को आपको पेस्ट कर देना है। तो सर्कुलर इमेज व्यू आप मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो आपको सेकेंड में दिखाई दे रही है सर्कुलर इमेज व्यू, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड एंटर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसकी विड्थ 150 dpi दे देनी है एंड हाइट भी आपको 150 dpi दे देनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 150 dpi। तो अभी हमने विड्थ एंड हाइट दे दिए, तो मैं यहाँ पे आईडी को एंटर कर देता हूँ, id@id। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है @id एंड आईडी का नेम दे देंगे हम लोगो। ओके, ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है यहाँ से एंड इसको सेंटर में लेके आना है। ये जो सर्कुलर इमेज व्यू है इसको सेंटर में लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, सेंटर इन पैरेंट, सेंटर इन पैरेंट आपको ट्रू टाइप कर देना है। तो जैसे हम सेंटर इन पैरेंट ट्रू कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। इसके बाद आपको एक इमेज व्यू यूज़ करनी होगी। तो पहले हम सोर्स दे देते हैं @drawable, क्योंकि हम ड्रॉबल फाइल से ही यूज़ करेंगे इसलिए हम ड्रॉबल दे देंगे। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लोगो दे दूंगा, ये जो आइकन दिखाई दे रहा है यही आइकन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉबल में पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड आपको अगर इसका नेम चेंज करना है तो आप नेम भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन आ चुका है। तो सेम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा आइकन, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है, यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है। तो एक्चुअली हमने ड्रॉबल की फाइल का जो नेम होता है ड्रॉबल, तो उसकी स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी थी इसलिए एरर शो हो रहा था। तो आप देख सकते हो अभी हमारा आइकन भी शो हो रहा है एंड जो हमने ग्रे डॉट एग्जेमल क्रिएट की थी वही यहाँ पे फाइल भी शो हो रही है। ओके, तो इसके बाद आपको एंटर कर देना है एंड इसको बॉर्डर कलर भी देना होगा। तो यहाँ से आपको बॉर्डर कलर टाइप करना है बॉर्डर। तो जैसे हम बॉर्डर कलर टाइप करेंगे तो ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है CIV बॉर्डर कलर, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक कलर का कोड लिखता हूँ, वही आपको टाइप करना है #CA A C4 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 C4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कोड भी आ चुका है। ये होने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना, ये जो सर्कुलर इमेज है इसको क्लोज करना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ये होने के बाद अभी हमें एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर देंगे टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ आपको देनी है रैप कंटेंट, रैप कंटेंट एंड हाइट भी सेम रैप कंटेंट। ये होने के बाद अगेन आपको इसकी भी आईडी डिफाइन करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन किए थे तो id@id, इसका आपको नेम दे देना है ऐप नेम, क्योंकि जो टेक्स्ट व्यू रहेगा इसके नीचे रहेगा एंड इसका ऐप का नेम रहेगा। ओके, इसलिए हमने आईडी
ऐप नेम ही डिक्लेयर कर दिए। तो अभी हमें टेक्स्ट साइज को भी डिफाइन करना होगा, तो टेक्स्ट साइज हम 27 dpi मिनिमम रख देते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइप कर देंगे, टेक्स्ट एंड हम एप्लीकेशन का नेम लिख देंगे, एप्लीकेशन का नेम एंटर कर देंगे, रेसिपी ऐप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है एंड हमने इसका टेक्स्ट साइज रखे 27 dpi। तो हमें इसके नीचे चाहिए, तो लेआउट बिलो हमें एंटर करना होगा @ लोगो। तो सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ लेआउट बिलो का, किसके नीचे चाहिए, तो ये जो लोगो है इसके नीचे, तो @ID लोगो के नीचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, बट ये यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल यूज करना होगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू करना होगा हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू पास कर दिया, तो यहाँ पे रेसिपी ऐप आ चुका है। तो इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे हम, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप हम दे देंगे 25 dpi। ये होने के बाद आपको टेक्सटाइल यूज करना है, क्योंकि ये अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम टेक्सटाइल को यूज करेंगे एंड इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये होने के बाद आपको टेक्स्ट अपेयरेंस दे देना है अच्छे से शो होने के लिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट अपेयरेंस, ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है इसको आपको सिलेक्ट करना है। आपको स्टाइल में आपको मीडियम ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे मीडियम टाइप कर देता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है सेकेंड टेक्स्ट अपेयरेंस ऐप कॉम्पैक्ट मीडियम, यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। एंड अभी हम टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देंगे, तो क्लोजिंग के लिए आपको बस स्लैश को यूज करना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा रेसिपी एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। ये तो हुआ XML पार्ट, अभी हमें जावा पार्ट क्रिएट करना होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा पे आ जाएंगे एंड एक एक चीज को हम डिफाइन करेंगे। मीन्स हमने जो इमेज व्यू टेक्स्ट व्यू यूज किया इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इमेज व्यू, तो हमने एक इमेज व्यू ली थी एंड इसका हम नेम दे देंगे लोगो। एंड सेम आपको टेक्स्ट भी यूज करना है एंड इसका नेम दे देंगे हम ऐप नेम। आप कुछ भी यहाँ पे रैंडमली नेम यूज कर सकते हो। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है एंड यहाँ से हम हैंडलर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हैंडलर का यूज करने के पहले इसको डिक्लेयर भी करना होगा, तो डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, लोगो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id. लोगो। सेम आपको टेक्स्ट व्यू जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू हमने एंटर किया था ऐप का नेम, इसको डिफाइन करने के लिए हमें सेम करना होगा, जो ये नेम है ऐप नेम इसको यूज करना होगा, ऐप नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id. ऐप नेम। ये होने के बाद इसको भी सेमी कॉलन से आपको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, बट एक्चुअली ये जो एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन डॉट XML है ये तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, बट इसके नीचे हमें एक पावर्ड बाय रोहित करके जो भी आपका नेम होगा, तो यहाँ पे अच्छे से शो होने के लिए हम एक टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाना है आपको एंड यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर देंगे, टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ हम दे देंगे रैप कंटेंट। एंड इसकी ID आपको दे देनी है @ID पावर बाय। ओके,
ये होने के बाद आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए, इसलिए हम टेक्स्ट टाइप कर देंगे, टेक्स्ट पावर्ड बाय रोहित। जो भी आप रहोगे मीन्स जो डेवलपर रहेगा उसका यहाँ पे नेम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पावर्ड बाय, दो स्लैश यूज कर देंगे कॉलम का, एंड रोहित मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, बट यहाँ पे वो टॉप में शो हो रहा है तो इसको इसके नीचे लेके आना होगा। तो हम क्या करेंगे, अलाइन पैरम बॉटम का यूज करेंगे, सबसे इसको नीचे में लेके आएंगे। तो आपको अलाइन पैरम बॉटम में ये इसको सिलेक्ट कर देना है, एंड यहाँ से आपको ट्रू को सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट व्यू है डायरेक्ट नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सेंटर हॉरिजेंटल, जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे सेंटर हॉरिजेंटल, सेम यहाँ पे भी आपको पास कर देना है ट्रू। ये होने के बाद हम मार्जिन बॉटम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टॉप में चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे मार्जिन बॉटम 58 dpi। ये होने के बाद अगेन हम एंटर करेंगे एंड हम टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। टेक्स्ट कलर आपको यूज करना है हैश 45444। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर इंप्लीमेंट कर दिया है, एंड यहाँ पे अच्छे से शो भी हो रहा है पावर्ड बाय रोहित। इसको भी हमें डिफाइन करना होगा, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज किया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो अभी आपको जावा फाइल में आना है, एंड ये जो हमने टेक्स्ट भी यूज़ किया था उसको भी डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टेक्स्ट व्यू, इसका नाम दे देंगे हम पावर्ड बाय, एंड इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। एंड इसको भी हम डिफाइन करेंगे सेम पावर्ड बाय इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आईडी का नेम पावर्ड बाय, एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हैंडलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम स्प्लैश स्क्रीन में एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम हैंडलर का ही यूज़ करते। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू हैंडलर, एंड अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉट पोस्ट डिले। ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है फोर्थ में, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे भी आपको टाइप करना है न्यू, एंड ये जो मेथड दिखाई दे रही है रनेबल, यहाँ पे इसको आपको बस क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो खुद ब खुद कोड आ चुका है। तो अभी हम इसको सेमी कॉलम से इसको सॉरी सिर्फ कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे, एंड जितना भी मिली सेकेंड के लिए हमारा स्प्लैश स्क्रीन रन होना है उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हम 3 सेकेंड के लिए करेंगे, तो हम 3000 मिली सेकेंड एंटर कर देंगे, एंड इसको क्लोज भी करना है आपको सेमी कॉलम से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। अभी हम इंटेंट का यूज़ करेंगे, मीन्स हम स्प्लैश स्क्रीन से कहाँ जाना है हमें। तो स्प्लैश स्क्रीन से हम चले जाएंगे एक एसेसरी लिस्ट डॉट क्लास में। तो मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके बताऊंगा, सॉरी एक्टिविटी। तो पहले हम यूज़ करेंगे इंटेंट का, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी का नेम। तो हम कौन से एक्टिविटी में है अभी, स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस। ओके, तो आपको टाइप करना है स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस कॉमा, किस एक्टिविटी में हमें जाना है, एसेसरी लिस्ट। तो हमें इस एक्टिविटी को तो सबसे पहले क्रिएट करना होगा, जैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी को क्रिएट किया, सेम आपको इस एक्टिविटी को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि जिस एक्टिविटी में हम सेकेंड एक्टिविटी में रिडायरेक्ट होते हैं उसको क्लास यूज़ किया जाता है, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी, एंड यहाँ से आपको पास कर देना है इंटेंट। ये जो हमने यहाँ पे इंटेंट यूज़ किया है, बस आपको उसी को ही कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे एंड बस इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा हैंडलर का भी यूज़ हो चुका है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है एसेसरी लिस्ट। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड इस एक्टिविटी को मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो हम न्यू क्लिक करेंगे,
एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी का नेम एंटर कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट एंड बस आपको एंटर करना है। तो जैसे एंटर करेंगे सेम यहाँ पे एक्टिविटी रिबिल्ट हो जाएंगी। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है एंड ये जो एसेसरी लिस्ट डॉट क्लास है ये इसका भी एरर रिजॉल्व हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा वर्क तो हो चुका है बट हम एनिमेशन का भी यूज़ करेंगे हमारे स्प्लैश स्क्रीन में। तो एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, जैसे ही हम स्प्लैश स्क्रीन को ओपन करेंगे तो हमारी इमेज ऊपर से आएगी एंड ये जो रेसिपी ऐप है वो नीचे से आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनिमेशन का यूज़ करना होगा। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा में एंड यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू हैंडलर के नीचे एनिमेशन एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स। डॉट लोड एनिमेशन एंड जिस एक्टिविटी में है मीन्स हम प्रोवाइड कर देंगे ओनली सिर्फ दिस। ये होने के बाद आपको आर डॉट एनिम प्रोवाइड करना है, आर डॉट एनिम एंड स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन हम एक एनिम के नेम से एक्टिविटी में क्रिएट करने वाले हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंडमली कोई भी नेम आप लिख सकते हो आपके एनिमेशन नेम। तो मैं इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ, इसको कंट्रोल सी से हम कॉपी कर देंगे एंड हम चले जाएंगे रिसोर्स फाइल में। तो पहले तो ड्रॉबल को आपको क्लोज कर देना है, रिसोर्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू एंड एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। कौन सी, तो एनिम के नेम से। तो इसको स्क्रॉल करना है एंड टॉप में जो एनिम है इसको सिलेक्ट कर देना है एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिम शो हो रहा है। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल पे क्लिक कर देना आपको एंड यहाँ से जो हमने फाइल नेम यहाँ पे जो दिए थे स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन इसको हम बस कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे शो हो रहा है एस इज नॉट वैलिड। तो हमने यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया तो आपको स्मॉल यूज़ करना है, स्मॉल स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन। ओके एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हमारी स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे एनिमेशन का कोड इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हम सेट की जगह क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा यूज़ करेंगे अल्फा एंड बस छोटा सा कोड रहेगा फ्रॉम अल्फा एंड टू अल्फा। तो कहाँ से रहेगा हमारा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एंटर कर देता हूँ एरो के नीचे एंड यहाँ से आपको फ्रॉम अल्फा वो सिलेक्ट कर लेना है, कितना रहेगा 0.0 एंड टू अल्फा 1.0। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हाँ 1.0। ये होने के बाद हमारी जो एनिमेशन की ड्यूरेशन रहेगी उसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो हम ड्यूरेशन क्या सिलेक्ट करेंगे, 2000 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं आ रहा है तो हमें खुद से टाइप करना होगा एंड्रॉयड सेमी कॉलम एंड ड्यूरेशन टाइप करना है आपको, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2000 एंड इसको हम जैसे के वैसे रहने देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्प्लैश स्क्रीन का एनिमेशन का जो है वो वर्क हो चुका है। तो बस स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा में आना है हमको एंड जो एनिम फाइल हमने क्रिएट की थी उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें एनिमेशन यूज़ करना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, पहले तो हम लोगो को यूज़ करेंगे एनिमेशन में, लोगो डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है स्टार्ट एनिमेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एंड ये जो एनिमेशन है इसको प्रोवाइड कर देना है। जैसे हमने इंटेंट में पास किया था सेम इसको एनिमेशन में प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद हम एंटर करेंगे एंड जैसे हमने लोगो में एनिमेशन को सेट किए थे सेम आपको नेम में भी सेट करना है, ऐप नेम डॉट स्टार्ट एनिमेशन।
एंड सेम आपको पास कर देना है एनिमेशन। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड सेम आपको ये जो पावर्ड बाय रोहित मैंने यहाँ पे एंटर किया था 2 मिनट, एग्जीमेल में फाइल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना होगा तो इसलिए हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे पावर्ड बाय। ये दो आप देख सकते हो जो पावर्ड बाय है वही हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी स्टार्ट एनिमेशन एंड एनिमेशन को आपको प्रोवाइड कर देना है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो अभी मैं स्प्लैश स्क्रीन को रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन कैसा शो हो रहा है। तो मैं अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे शो हो रहा है रियलमी RMX 3395। ओके, तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड यहाँ पे अभी शो हो रहा है लॉन्चिंग ऐप एंड हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्प्लैश स्क्रीन लॉन्च हो चुकी है, बट यहाँ पे शो हो रहा है रेसिपी एप्लीकेशन। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यूज़ में जाना होगा एंड स्ट्रिंग डॉट एग्जामल में जाना होगा। सॉरी, आपको वैल्यूज़ में आना है, थीम में आना है एंड थीम डॉट एग्जामल जो है ये जो डार्क एक्शन बार है इसको नो एक्शन बार एंटर कर देना। तो इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे NO, NO नो एक्शन बार। सेम आपको नाइट के थीम में भी करना है, डार्क एक्शन बार की जगह हमें रिप्लेस करना है नो एक्शन बार। तो आप देख सकते हो अभी हमने इसको नो एक्शन बार कर दिया है। अगेन हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड सेम यहाँ पे शो हो रहा है लॉन्चिंग ऐप एंड हमारा देख सकते हो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन भी शो हो रही है एंड ये जो रेसिपी एप्लीकेशन था उसको वो भी रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी ऐप का ये जो यहाँ पे एडाप्टर रहेगा उसको क्रिएट करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू में। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।